देखो मनोज, मैंने एक सीढ़ी के कोने से स्टार्ट किया था अपना जर्नी, फिर मेरा वो कच्चा मकान, उसके बाद अभी आप देख सकते हो। अपना सपना लिए ना, किसी को छीन के ले आइए, मोमोज के ले आइए, कुछ भी हो जाए, मगर उसको चीज आपको काटना है तो काटना है। इतना ही काम सोच लो आप, मैं करेगा तो करेगा, मैं इस काम को पूरा करूंगा तो करूंगा, मैं हार नहीं मानने वाला हूँ। कुछ भी हो जाए, कुछ भी मुसीबत आ जाए, मगर मैं हार नहीं मानने वाला हूँ। किसी भी कोई भी आदमी बोल दे, मगर मैं हार नहीं मानने वाला हूँ। मैं उस सपना को मैं पाने का है, मैं वो काम करके रहूँगा, ठीक है। मैं एक यूट्यूबर बन कर रहूँगा, आपको दिखाऊंगा मैं कितनों भी कंपटीशन है, किस का कंपटीशन कितनों भी चल रहे हैं ना, तो मैं अलग हूँ। मैं अलग से मैं वीडियो निकाल सकता हूँ, मैं अलग से लोगों को जीत जीत सकता हूँ। मैं ऐसा हूँ, मैं उस जैसा नहीं हूँ जिन जिन लोगों को जिस लोगों को हो रहा है वो जैसा नहीं हूँ। मैं अलग से हूँ, मेरा दिमाग ना रहे, मैं अलग से मैं लोगों को सिखाने लगूँ, ठीक है। आपको लोगों को सिखाने का है भाई, मान के चलता आप बिजनेस मार्केटिंग आप खोल लिए, तब मार्केट चलाइएगा कि जाइएगा लोग के पीछे बोएगा, मगर मार्केट चलाने के लिए ना लोग के जरूरी, जनता का जरूरी पड़ता है। जैसा एक वोट होता है, नेता का चुनाव होता है प्रधानमंत्री के, ठीक है, प्रधानमंत्री का चुनाव होता है तो जाना पड़ता है कि धीरे धीरे उसको वोट मांगे हाथ जोड़ के, ऐसा है दादा दीदी बहन एक वोट दे देना मेरे में, ठीक है। कुछ भी हो, कलम छापो को चाहे गाछी छापो को चाहे कांग्रेस हो चाहे वो कुछ भी मावा दे, मगर कुछ भी हो मगर जाता है उसको हाथ जोड़ना पड़ता है। क्यों हाथ जोड़ता है, उसको मजबूरी रहता है, उसको दिल में पैसना पड़ता है लोग के, कुछ भी फेसबुक हो चाहे इंस्टाग्राम हो, कुछ भी आपको बोलना रहे हैं ना तो आप उसे जाकर बोलिए, धीरे धीरे अपने आप से वो सुधर जाए, ठीक है। आपको अपना सुधर है, करोड़ों के करोड़ों चल जाता है, और जीतता है वही जिसको विश्वास रहते हैं जनता पर, उसी ने जीतता है। जैसा आपको है, आप ख्वाब देखिए, मैं बड़ा यूट्यूबर बन के रहूँगा करूँगा, आप यही सोचिए, मात्र आप यही सोचिए, आपको कुछ भी कितना भी प्रॉब्लम है से आप उस प्रॉब्लम से लड़िएगा, ठीक है। आप किसी भी प्रॉब्लम से आपको लड़ना है, ठीक है। क्योंकि देखो आपको मैं कह रहा हूँ, आपको क्यों नहीं करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, आपको ऊपर भी आसान नहीं होता है, तो आपको पैसा आएगा, नहीं काम कीजिएगा तो आपको पैसा दौड़ के नहीं आएगा, 20 लोगों को पास आता ही है, मगर उस समस्या से आप लड़े दो, उसमें समय दे दो, कुछ भी हो को, मगर आपको लाभ इतना ही मैं सोचता हूँ। आपको करना है तो करना है, ठीक है, आपको कब मार्केट चलाना है तो चलाना है, दुकान कितना भी हो को, दुकान कितना है बहुत है ना, वो उसमें तो भी कंपटीशन चल रहा है, ऐसे सुबह दुकान नहीं खोलेगा, दुकान कोई भी नहीं चला सकता है, चला सकता है दोस्तों, इतना कभी भी नहीं छोड़िएगा। देखिए पहले भी कंपटीशन चल रहा था, अभी भी चल ही रहा है, पहले भी कम मोबाइल था तो कम कंपटीशन चल रहा था, अभी तो स्थिति में है ना तो बहुत मोबाइल भी हो गया है, और वीडियो जल्दी से जल्दी वायरल हो गया, मगर लोग के जानना पड़ेगा कौन ऐसा वीडियो देख रहे हैं लोग को, कौन अच्छा लग रहा है, कैसे उसको समझाना पड़ेगा, कैसे सिखाना पड़ेगा, तो इस आपको आना चाहिए, ठीक है, ये आपको आना चाहिए, ठीक है। तो आपको कोशिश करते रहिए, कोशिश करते रहिए, कोशिश करने वालों को हार कभी भी नहीं होता, किसी भी समस्या भी आ जाएगी उस समस्या के प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे वो, है ना। आपको कुछ भी हो जाए मगर आप काम करिए, इतने समझिए मैं इस फील्ड में उतर गया हूँ, मैं इसको जीत कर जाऊँगा, ठीक है, जीत कर जाएंगे, ठीक है, इतने आप सोचिए। अगर भी आप सोच रहे हैं मैं ये काम नहीं, एक इस काम के लिए नहीं बना हूँ, तो प्लीज़ आप चल जाइए, आपसे ये काम नहीं होने वाला है, आप लोगों को बात में चल रहे हैं ना तो आप चल जाइए, आपसे इस काम में नहीं होने वाला है, ठीक है। आप यही सोचना है, लोग कुछ भी करें,
तू नहीं कर रहा है मगर मैं करूँगा तो करूँगा, इतना ही आपको सोचना है। हिंदी उतना नहीं बोलना बैठी हूँ इसीलिए मैं बोलता हूँ। मैं किसी भी हालत में हिंदी सीखने चाह रहा हूँ, मैं बोलता हूँ।